अगेन दिव्यांशी की फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं दीक्षा, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। मैं तो आप लोगों की दुआओं से, प्यार से और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, हमेशा ही हैप्पी रहती हूँ। तो आज है, याद नहीं है मुझे, बट हाँ आज 6 जनवरी है और अभी बैठी हूँ मैं पूजा वाले रूम में, मतलब धूप में। थोड़ी सी आप देख सकते हैं विंडो से ना, पूरी सनलाइट फेस पे आ रही है। मतलब क्या होता है ना कि अगर सुबह से आप ठंडा है मौसम और आप थोड़ा सा धूप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ना आज से नहीं, मतलब कुछ दिन से मैंने सुबह से नहाना स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इशू होता है अगर सुबह से नहीं नहाओ तो। कई लोगों का कुछ कुछ कहना रहता है, अलग अलग बातें, और मुझे एक तरीके से तो मैंने नहा लिया है, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, खाना भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने सुबह से लंच में बनाई थी हरी जो मिर्ची होती ना, बड़ी वाली हरी, तो उसको ना बेसन भर के मैं बनाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आज है बुधवार, तो आज मैंने वही बनाई थी, और लंच वंच मैंने सारा कुछ उनको पैक करके दे दिया है। और अभी बन रहे हैं तिली के लड्डू, जो कि ऑफकोर्स मेरी मम्मी ही बना रही हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, बट मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा दी है। मतलब मैंने देख लिया है कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब कुछ। तो अभी बैठी हूँ मैं पूजा वाले रूम में थोड़ी सी धूप में, और पीहू भी यही है। तो चलिए अब देखते हैं तिली के लड्डू कैसे बन रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। और ना मेरी ये हाथ हिलाने की आदत है, तो इस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरी हैबिट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इसलिए क्योंकि मैंने विंडो ओपन करके रखी है सूर्य की वजह से, कि यार सूर्य की जो रोशनी हो वो थोड़ी सी मुझे मिल जाए धूप। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक लिए बाय। मैं बना रही थी जो हरी वाली बड़ी वाली मिर्ची आती ना उसकी सब्ज़ी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये है एक पाव मिर्ची, और आप देख सकते हैं 7 से 8 ही होंगी, ज़्यादा नहीं होती, एक पाव में इतनी ही चढ़ती हैं। कुछ बड़ी साइज़ हैं, कुछ छोटी साइज़ हैं, मैंने इस तरीके से इनको बीच में से कट करके काटा है कट। और क्या होता है ना, इससे जो भी बीज वगैरह रहते हैं, जो भी इसमें अंदर रहता है, वो आप निकाल दो बहुत अच्छे से, तो इसमें बेसन बहुत अच्छे से भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, टीस्पून सॉरी ऑयल, और थोड़ी सी हींग और थोड़े से जीरे, और जैसे वो भून जाएंगे ना, तो उसके बाद मैंने 2 कटोरी के लगभग ही बेसन डाला था। मैं यहाँ चम्मच से आपको बताऊँ तो मुश्किल से मैंने डाला होगा 8 चम्मच बेसन, क्योंकि ठीक है अगर आप 2-2 चम्मच भी बेसन भरते हैं एक मिर्ची में तो इनफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसन को बहुत अच्छे से पकाना है, मतलब भूनना है, जब तक इसमें अच्छे से खुशबू ना आने लगे। और हमेशा आपको याद रखना है स्लो गैस पे ही आपको बेसन को भूनना है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच नमक और थोड़े से ज़ीरा पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि अगर आप बेसन भूनते ना तो वो सारी चीज़ें तो उसमें भूनी जाती हैं मसाले, तो कच्चापन कुछ रहता नहीं है। तो बहुत अच्छे से भूनना है आपको, और गांठें भी नहीं बनने देनी है इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पिंच से भी कम डाली थी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 1/2 से भी कम चम्मच थोड़ी सी लाल मिर्ची, और 1/2 से थोड़ा सा कम अमचूर पाउडर। यार ये टेस्ट बहुत ही इन्हेंस कर देते हैं, क्योंकि अगर आप खाली खाली बेसन भरेंगे ना तो मज़ा नहीं आता। और अगर आपके पास नींबू है तो आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो देख सकते हैं आप बेसन अच्छे से गोल्डन हो रहा है, और मैं इसको हमेशा धीमे आँच पे ही पकाती हूँ, और इसकी जो गांठें ना वो भी इसको तोड़ती जा रही हूँ, जिससे वो ऐसा रहता ना कि गांठें बन जाती हैं तो कहीं भुनता है कहीं नहीं भुनता। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली थी कसूरी मेथी, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है इसको डालने के बाद। तो यहाँ पे मेरा बेसन आप देख सकते हैं भुन गया था, और यहाँ पे भनने लगी थी मिर्ची। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 चम्मच बहुत इनफ हो जाता है, क्योंकि मिर्ची बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है। और प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना कि आप सभी कैसे हैं, और आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है। अभी यहाँ पे सर्दी बहुत ही कम हो गई, बहुत ही कम तो नहीं लेकिन हाँ हो गई है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चम्मच से दबा दबा के मसाला भर दिया है, और अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, बट मैं सूखा बेसन ही भरती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, तेल एल में भूंज के फिर मसाला डाल के और फिर गीला बेसन भरते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती। बाद में नींबू आप निचोड़ सकते हैं मिर्ची के अंदर, बट अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने पूरी मिर्ची को अच्छे से भर लिया है। उसके बाद मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने इसी के साथ
रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा सा बेसन मेरा बच भी गया था, मतलब मैंने मेज़रमेंट करके ही डाला था बट थोड़ा सा बेसन फिर भी बच गया था, तो मैंने रख दिया था कि कुछ और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप मेरी मिर्ची बहुत अच्छे तरीके से भर गई हैं और इतना सा बेसन बचा है, मुश्किल से 2 चम्मच। उसके बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई और ऑयल आप डाल सकते हैं, अगर आपको डीप फ्राई करना तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं मिर्ची में धागा लपेट के, और अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है सैलो फ्राई करना है तो आप थोड़ा सा ऑयल डालिए उसमें मिर्ची रख दीजिए, और इसमें आपको ना कुछ धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मसाला नहीं निकलता है। तो इस तरीके से मैंने 4-4 मिर्ची करके रख दी है, उसको मुझे ढक के ही पकाना है मीडियम आँच पे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ गैस पे पकाऊंगी। तेज़ गैस में पकाने से क्या होता है कि मिर्ची तो पक जाती है ऊपर से लेकिन वो जल भी जाती है, अंदर से कच्ची रहती है ऊपर से जल जाती हैं, तो आपको साथ साथ पलटते भी जाना है जिससे चारों तरफ से मिर्ची बहुत अच्छे से पक जाए। और हाँ, थोड़ा बहुत बेसन का मसाला निकल जाता है क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ से उसको बांध नहीं रहे हो तो डेफिनेटली वो निकलेगा ही, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स दिखती हैं अपनी, बट ठीक है ना यार, आदमी गलती करके ही सीखता है, एक इंसान जब तक गलती नहीं करेगा ना तब तक वो नहीं सीख सकता। तो गलतियाँ मेरे में भी होती हैं, कई सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, आई नो वेरी वेल कि मेरी वीडियोज़ में भी बहुत सारी गलती होती हैं, बट मैं गलतियों से ही सीख रही हूँ धीरे धीरे। इतनी मैं परफेक्ट नहीं हूँ किसी चीज़ में, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ टाइम लगता है सीखने में। तो आप देख सकते हैं मेरी मिर्ची बहुत अच्छे से मैंने भून ली हैं, अच्छे से तल भी गई हैं, और ये जो आप बड़ी वाली मिर्ची देख रहे हो ना, ये कुछ ज़्यादा कट गई थी शायद, तो इससे क्या था मसाला भी इसमें ज़्यादा भर गया था। और आप देखो मसाले में ऑयल में मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, तो ऐसा नहीं है कि सूखा बेसन है, बेसन अच्छे तरीके से गीला हो जाता है, और ट्रस्ट मी गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, इसको आप पराठे से खा सकते हैं, रोटी से, पूड़ी से, आप लंच में रख लीजिए, आप डिनर में रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है, और आप 2 से 3 दिन तक इसको ईजीली खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें आपने कुछ ऐसा तो डाला नहीं टमाटर वगैरह, तो ये ख़राब नहीं होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी थी रोटी, और सुबह का ही टाइम था, तो उसके बाद मैंने बनाने लगी थी रोटी। और आजकल मैंने क्या किया है ना, अपनी खिड़की में ना जो हरे वाले पर्दे आते हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी टमाटर की चटनी। ओ माय गॉड, ये चटनी ना देसी स्टाइल में जो चटनी होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे भी, भाई को भी, हस्बैंड को भी, मेरी पूरी फैमिली में, क्योंकि ना हम लोग किसान लोग हैं, गाँव के लोग हैं तो बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और मेरे हस्बैंड को तो इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि ना यार वो बहुत ही ना उंगली चाट चाट के खाते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी मिर्ची भी अच्छे से तलती जा रही थी, और साथ में मैं टमाटर को भून के खाती हूँ क्योंकि ऊपर की जो उसकी स्किन रहती है ना मैं उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि स्किन अपने पेट में जाने के बाद वो गलती नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुन के रखी, इसलिए मैं क्या करती हूँ जब भी चटनी बनाती हूँ तो हमेशा इस तरीके से टमाटर को भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, कुछ मैं मिर्ची लूँगी 4 से 5, क्योंकि अगर आप चटनी बना रहे हो उसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो बढ़िया से आराम से डाल दूँगी। और जो हरी चटनी आप कटोरी देख रहे हो ना वाइट, उसमें हरी चटनी जो कि हस्बैंड मेरे हमेशा बना के रखते हैं, और उनके हाथ की चटनी, ओ क्या बताऊँ आपको, इतनी लाजवाब होती है ना कि देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। पिस्से सिंघाड़े खा लें, मूँगफली खा लें, कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसकी स्किन, टमाटर की स्किन मैं अच्छे से निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं बना लूँगी चटनी और गर्मा गर्म खाना सर्व करूँगी सभी को, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, शायद छुट्टी वाला दिन नहीं था, ये कल का दिन था, बट कल मेरे हस्बैंड किसी रीज़न से ऑफिस नहीं गए थे। और देखो मेरी मिर्ची अच्छे से सारी कुछ तल गई हैं, बहुत ही टेस्टी। और आप लोग कैसे हैं यार, यहाँ हो गई थी पीहू की मस्ती स्टार्ट। मैं ये बोल रही थी कि इसको ना वो कहीं मंदिर जाते ना तो देवी जी के परिक्रमा वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से ना इसको लग रहा था माता आ गई। देखो आप कैसे लोट लोट के जय कर रही थी। माता जी के दर्शन करने। अरे 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 क्योंकि मस्ती देख के ना मेरा सारा दिन निकलता है, मतलब उसकी अगर मैं मस्ती नहीं देखूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती, अगर वो सो जाती ना तो मेरा दिमाग ख़राब रहता है कि यार ये कब उठेगी कब उठेगी कब उठेगी। और इस तरीके से बिहेव भी करती है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है, बहुत ही मस्ती खोर बच्ची है यार, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। देखो जंपिंग चल रही थी उसकी, ये लोट लोट के जंपिंग कर रही थी, और मैंने ना पूरे हॉल में चटाई बिछा दी जैसे सर्दी का मौसम है तो वो नीचे ना खेले, बट वो फिर भी ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ चटाई ना हो तो फिर जाके नीचे लेटेगी। यहाँ मैं उसको बोल रही थी निन्नी आ रही है क्या, निन्नी आ रही
है क्या? उसको निन्नी कुछ नहीं आती, मतलब नींद नहीं आती उसको। वो मैं से पूछ रही थी टीथ कहाँ है बेटा, टीथ तो टीथ बताने की जगह ना जो सेल होता है ना बैटरी वो खाने लगी। यहाँ पे मैडम की जंपिंग चल रही है। उसके बाद मैडम जी आ गई थी मंदिर में और ये लगा रही है तिलक मुझे। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।